हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैंने आप लोगों के साथ एमटीआर का राइस पाउडर, एमटीआर का टमाटर राइस पाउडर का रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों, ये मैंने लिया था लगभग 20 रुपीज़ से, और मैं इसे 3 से 4 बार बना चुका हूँ दोस्तों। और ये इतना अच्छा है, मुझे ये पहले बार मैं घर पर लाया हूँ, और ये इतना अच्छा मुझे लगा है कि एमटीआर पुलियोगारे पाउडर जो बनाया था राइस मैंने, उसको भी आप लोगों को देखा होगा कितना अच्छा आप लोगों को प्यार मिला है उसमें। बहुत व्यू भी आया है और बहुत सारी कमेंट भी आया है उसमें। मगर ये और एक बार आप यूज़ कर लिए, देखिए इतना बेनिफिट है और इतना अच्छा और इतना झटाझट है, टेस्ट भी बिल्कुल अलग है, और मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों। और ये मैंने 20 रुपीज़ से लाया था, और ये जो है थोड़ा है, तो मैंने सोचा ये लास्ट में मैं आपको वीडियो बना दूं, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छा लगा। और हमारा चैनल में जो अच्छा हमारा एक्सपीरियंस होता है वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, कैसे कि ना कि हम यूज करें नहीं करें और उसमें रिव्यू करें, ऐसा कोई बात नहीं है। हम कोई चीज़ यूज़ करती हूँ तो वो अगर अच्छा लगे तो हम इसको रिव्यू करती हूँ। तो दोस्तों, चलिए पहले फटाफट बना लेती हूँ। इसमें कोई कुछ भी डालने का ज़रूरत नहीं रहता है, जैसा पोलियो का पाउडर तेल डालना है और पाउडर डालना है, राइस डालना है, उसमें रेडी हो जाता है। ये बिल्कुल सेम वैसा ही है। और इसमें मैंने एग ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मेरा बेबी एग खाने का बहुत पसंद करता है। और आप चाहे तो एक प्याज भी डाल सकते हैं, मगर मैं प्याज नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मेरा बेबी को प्याज ढूंढ ढूंढ के, वो स्कूल में जब टिफिन खाता है ना, वो प्याज पसंद नहीं करता है, तो ढूंढ के वो निकल कर फेंक देता है, और इसमें डालने का भी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसमें प्याज यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो दोस्तों, ये जो पाउडर है इसमें सब कुछ रहता है जो हमें जो टमाटर राइस बनाती हूँ, जो डालने का है सब कुछ इसमें रहता है, तो हमें कुछ भी डालने का ज़रूरत नहीं। बिल्कुल पटापट 1-2 मिनट में आप बना दोगे। ये आपके पास अगर खाना रेडी रहे तो आप रात का खाना भी बना सकते हैं, अगर वो खाना थोड़ा स्ट्रांग रहना चाहिए, अगर नरम हो गया तो खाना उसमें ये अगर बनाओगे तो आपको कोई भी टमाटर राइस बोलो और पुलियोगारे बोलो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो दोस्तों, ये बात ख्याल रखें कि आप अगर रात का खाना में बना रहे हो तो वो थोड़ा स्ट्रांग रहना चाहिए, और दोपहर का अंदर वो लंच ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर आप कोई ये बना के कोई दूर जा रहे हो और रात शाम को खाने वाले हो कि दोपहर के बाद खाने वाले हो, थोड़ा देरी से खाने वाले हो, तो आप सुबह में थोड़ा गरम गरम खाना बना लीजिए, उसको ठंडा कर लीजिए, उसके बाद ये बनाइए। आपको वो रात तक शाम तक वो जो बॉक्स है आपको बिल्कुल अच्छा रहेगा, ख़राब बिल्कुल नहीं होगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए मेरा बेबी को भी स्कूल करो, जल्दी करना है, जा रहे हैं वो, तो इसके लिए मैं गैस ऑन कर रही हूँ। गैस ऑन करना है बिल्कुल झटाझट। आप एक पैकेट रख लीजिए घर में, आपको भी नाश्ता में जल्दी हो जाएगा, स्कूल टिफिन में भी जल्दी हो जाएगा, और आपको टेस्ट भी वैसा ही लगेगा। इसमें मैं डाल रही हूँ ऑयल, थोड़ा ऑयल डालना है, थोड़ा ज़्यादा डाले तो अच्छा लगेगा, मगर आप जैसा चाहते हो, छोटा बच्चे को ज़्यादा ऑयल नहीं देना चाहिए, तो मैंने इतना ऑयल डाला है। और मैंने इसमें एक डालने वाली हूँ, क्योंकि मेरा बेबी को एक पसंद है, और खाने का साथ ये थोड़ा अच्छा टेस्ट आएगा, जो आपको और भी उनको खाने में प्रोटीन विटामिन और भी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, खाने का साथ एक एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो देखिए, मैं अंडा डाल दी हूँ, और इसमें मिर्ची हरी मिर्ची जो डालना है वो इतना अभी डालने का ज़रूरत नहीं है, छोटे बच्चे के लिए बना रही हूँ, तो आप बड़े आदमी हो तो आप थोड़ा उसमें हरी मिर्ची भी डाल सकते हो, आप भी थोड़ा टेस्टी हो जाएगा। और ये जो टोमेटो राइस पाउडर है ना, इसमें थोड़ा खट्टापन रहेगा, तो उसमें मिर्ची ज़्यादा डालने का भी ज़रूरत नहीं रहता। तो उसमें मैं चुटकी भर नमक डाल रही हूँ, और ये पाउडर मैंने 2-3 बार बनाई हूँ ना, इसमें मालूम चला है इसमें नमक थोड़ा कम रहता है, तो इसमें थोड़ा आप खाने में नमक डाल को बना लीजिए, और इसमें भी थोड़ा नमक छिटा दीजिए, तो आपको टेस्ट और भी अच्छा लगेगा, जो मेरा एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों, ये मैंने अंडा को भून दिया है, खाने का साथ मिला देना है, तो दिए तो आपको उसको अच्छा लगेगा खाने में। तो देखिए, मैं इसको तोड़ देती हूँ खाने में मिल जाने का जैसा,
और इसको मैं साइड पे रख देती हूँ, इसमें साइड पे रख देती हूँ। उसके बाद मुझे थोड़ा और भी तेल डालना है क्योंकि वो पाउडर को भी थोड़ा गर्म करना है, तो मैंने थोड़ा तेल डाल रही हूँ। और ये जो पाउडर है देखिए, अंदाज से आप डालिए आपको खाना कितना है उसमें, तो मैंने इतना खाना इसमें डाल रही हूँ। इसमें दो मैं तीन बार बना चुकी हूँ, ये चौथा बार बना रही हूँ दोस्तों। और इसको और एक बात ख्याल रखिए, इसको ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मसाला है ना, इसको थोड़ा हीट हो जाने के बाद गैस हाफ कर दीजिए, क्योंकि ये मसाला अगर जल गया है तो आपको खट्टा टेस्ट से आपको लगेगा, मतलब और भी ख़राब हो जाएगा टेस्ट, तो ये एक बात याद रखना चाहिए। तो ये हो गया, बाद इसके साथ मैंने ये मिला देती हूँ, इसको साथ ये मिला देती हूँ। ये मिल गया है, अब मैंने खाना इसमें ऐड कर देती हूँ। तो मैं अब ये खाना, मेरे रात का खाना है वो मैं डाल रही हूँ। ये खाना देखिए उतना नरम नहीं है, स्ट्रांग है, तो मैंने उसको जल्दी भी स्कूल एक बजे खा लेता है, तो इसलिए मैं ये खाना आराम से दे सकती हूँ। तो मैंने इसमें लगभग तीन मुट्ठी जैसा खाना डाल रही हूँ, और इसके बाद अच्छा से मिला लेना है। उसके बाद आप गैस ऑन करें, ये मिला लेने के बाद आराम से मिला लीजिए, पूरा मसाला इसके अंदर मिल जाए आपका। आप देख सकते हैं मेरा खाना थोड़ा लग रहा है इसका साथ उसका, और ये ऐसा से भी आपको खाना और भी थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, तो इस खाना इसका साथ एक का साथ एक नहीं लग जाए तो आपको और भी अच्छा बनेगा। तो देखिए ये मैं अच्छा से मिला रही हूँ, इसको अच्छा से मिला लेना चाहिए। और ये जो खाना है देखिए, थोड़ा लड्डू लड्डू बन गया है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो मैंने इसको अच्छा से मिला लेना है। ये सभी अच्छा से मिला लेती हूँ दोस्तों। मेरा MTR पाउडर का जो खाना मैंने बनाया था उसका वीडियो भी लिंक में मिल जाएगा और आई बटन में मिल जाएगा, वो भी देख लीजिए दोस्तों। और आप लोग ऐसा प्यार देते रहिए, तो मैं नया नया रेसिपी ऐसा लाते रहूँगी, और आप लोगों को जो बिल्कुल जल्दी लगेगा और अच्छा भी लगेगा, जो बैचलर बच्चा लोग रहता है कॉलेज स्कूल इसमें मतलब हॉस्टल में वगैरह में, और जहाँ उनको बहुत चीज़ बनाने का टाइम नहीं होता है और थोड़ा जल्दी भी होता है और अच्छा भी लगता है, तो उन लोगों के लिए भी मेरा वीडियो मैं बनाती हूँ। और इसमें ये सभी जो चीज़ें हम बनाती हूँ इसमें उनको बहुत जल्दी भी होता है, और ये इतना खाना आप दुकान में गए तो आपको 30 रुपीज़ लेगा, और आप ये 20 रुपीज़ का पाउडर लेके आ गए, अगर 3-4 दिन भी बना सकते हो तो आपको कितना फ़ायदा होता है। थोड़ा खाना बना लीजिए, एक दिन MTR का पोलियो का पाउडर बनाया, एक दिन टमाटर राइस बनाए हैं, और एक दिन लेमन राइस भी बनाई है दोस्तों। ये भी मैं लेके आऊँगी, यहाँ है देखिए लेमन राइस का ये, तो वो भी नहीं है मेरे पास, वो भी लेकर आऊँगी, उसका वीडियो भी बनाऊँगी। तो ये भी बहुत रकम रकम का होगा, आपको भी टेस्ट में फर्क लगेगा और अच्छा लगेगा, एक चीज़ डेली खाने को भी अच्छा नहीं लगेगा, और आप लोगों को ये बहुत फ़ायदेमंद भी होगा। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने बिल्कुल ये मिल गया है, इसके बाद मैंने गैस को थोड़ा ऑन कर देती हूँ, गैस को थोड़ा ऑन करना है और उसको अच्छे से मिला लेना है। मैं गैस को थोड़ा ऑन कर देती हूँ और अच्छा से इसको गर्म कर लेती हूँ। तो ये थोड़ा गर्म होने दो, उसके बाद आपका पास ऐसा हरिया धनिया पत्ता रहे तो उसको आप ऐसा तोड़ के इसके ऊपर डाल दीजिए, तो आपको और भी अच्छा लगेगा, देखने को भी अच्छा लगेगा, और ये जो खाने को भी आपको अच्छा लगेगा। तो ये
अब मैंने तोड़ तोड़ को डाल रही हूँ। इसका से भी इजी होता है, आपको पास अगर थोड़ा छोटा कैंची रख दो तो आपको बहुत अच्छा, उसको काटने भी थोड़ा बारीक भी होगा और अच्छा भी लगेगा, क्योंकि हरी मिर्ची वो सब भी काटने के लिए कैंची रखना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं भी रखती हूँ क्योंकि मेरा छोटा बच्चा है, मैं कैसे उसको आँखी में अगर हाथ डाल दूँ तो बिल्कुल बहुत जलन होगा, तो इसलिए हर मतलब किचन में एक छोटा कैंची रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों मिलती हूँ मेरा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और दोस्तों ये रेसिपी मेरा कैसा लगा प्लीज़ मेरा कमेंट करके बताइए। और ये मेरा बेबी को देना है खाने के, और उसको टिफिन में भी देना है, तो चलो जल्दी से मिलती हूँ मेरा ऐसा नया नया वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खा कैसा लग रहा है? यम्मी यम्मी ओके।